हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली रिकवर कर गए मेरा उस दिन जब लास्ट रिकॉर्ड किए थे, उस टाइम के बाद तबीयत और ख़राब होते गया होते गया होते गया। ऐसा टाइम आ गया हम बेड से उठ नहीं पा रहे थे, तो फाइनली रिकवर करने के बाद हम फिर से बैठे। अभी फुल्ली हुए नहीं है, बट ऐसा है कि हम एनर्जी वापस आ गया मेरा, पूरा खुशी से गला नॉर्मल हो गया। तो थोड़ा थोड़ा खांसी और थोड़ा थोड़ा सर्दी है, वो कल परसों तक ठीक हो जाएगा। तो वापस आ गया विडम में। तो हम इतना ही सोच रहे थे कि डेफिनेटली इतना टाइम तक हम पड़े हुए थे बेड पे, तो मेरे सोचने का बहुत टाइम था। तो हम कुछ डिसीजन लिए चैनल के लिए, तो लेट्स गो, आगे जाके बात करते हैं। वीडियो के एंड में ही बात करेंगे, क्योंकि ये चैनल या ये मतलब सिर्फ के पॉप एक्सक्लूसिव नहीं रहने वाला। हम और भी बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर करेंगे ये चैनल पे। कुछ ज़्यादा ही हम नोटिस किए कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मेरे को एक डायरेक्शन में जाकर फ़ायदा नहीं है अब ये चैनल को, मतलब समझ तो गए, मतलब के पॉप का मतलब इन डेप्थ तो घुस गए ही है, और हमको समझ में आ गया के पॉप क्या होता है क्या होता है। अब हम नेचुरली धीरे धीरे एक्सप्लोर करते रहेंगे, कोई नया सॉन्ग आएगा ये आएगा, एक दो ग्रुप बीच पे चेकआउट करते रहेंगे। जैसे रिसेंटली अज़ी का बहुत ये रिक्वेस्ट आ रहा है, वो भी चेकआउट करेंगे, टेंशन नहीं लो। अज़ी का रिएक्शन आ जाएगा, जल्दी आएगा, जैसे हम थोड़ा थोड़ा ठीक होते रहेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट वीक तो पहले आ ही जाएगा। तो पर और भी ट्रेलर रिएक्शन आएगा, एनिमे ओपनिंग रिएक्शन आएगा, हम नए नए चीज़ लाने का ट्राई करते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारा चीज़ यूनिक होने वाला, अभी चैनल थोड़ा अलग वे में जाने वाला है। इतना सोचने के बाद हम डिसीजन लिए, क्योंकि सोचने के अलावा कोई काम नहीं था मेरे को, इतना तबीयत खराब था। तो लेट्स गो, अभी हम लोग रिएक्ट करने वाले वी का टाइनी डेक्स कोरिया। जो टाइनी डेक्स तो हर बीटीएस का परफॉर्मेंस 10 out of 10 होता ही है, बट लेट्स गो। बात क्यों हो गई? बैकअप सिंगर्स लेट्स गो भी। ये पता है, ये वीडियो ना हमको लगता है हम अब से जब भी टीवी में कुछ ऐसा जैज के लिए लगा के ऐसे कई बात करते हैं ना हम लोग, मतलब एग्जांपल ले लो कोई काइंड ऑफ सोचो फ्रेंड्स लोग आए, फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, फ्रेंड्स के साथ तो अलग ही पार्टी पार्टी ये चलते रहता है। बट जैसे कोई काइंड ऑफ फ्रेंडली कजन वजन लोग आया, ठीक ना, ठीक है ना, तो काइंड ऑफ सोच रहे हो जब टीवी वाले रूम में बात करते रहते हैं, कुछ चलाना रहता है, तो हम डेफिनेटली ये चला के हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि एकदम लगेगा लाइव कॉन्सर्ट पे बैठ के हम लोग आराम से जाम में बात कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली वो वाला फीलिंग है, जैस वाला फीलिंग है कि तुम माइंड नहीं करोगे वो पीछे चलने में, और बात भी कर पाओगे, और जो वाइब है वो पूरा रूम को एकदम मस्त कर देगा। अग्री और नॉट गाइस? 사람 괜찮니 예전으로 천천히 Make it feel better Yeah make it forever 괜찮다 말하지 마 Said I'm alright Said I'll be fine भाई वी का जो स्टाइल है जैज में जो घुसा है हमको बड़ा, मतलब एक आहा भाई उफ,
रिस्पेक्ट बढ़ गया है भाई वी के लिए, जो मतलब पता है ना, पता है जैज वाला चीज ज्यादा पॉपुलर होगा नहीं, पता है ये वी है, वी का पॉपुलर और होने का जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई सबको ग्रो करना वो अलग बात है। जैसे जंगकुक एकदम पॉप स्टार वाला रूट ले रहा है, जिससे जंगकुक मेनली वन ऑफ द लेजेंड्स बनेगा एकदम। मतलब जंगकुक चाहे ना तो अभी मतलब काइंड ऑफ बीटीएस का जैसा नाम है ना, वो अपने खुद से वो नाम लेके जा सकता है, ये लोग भी जा सकता है, पर जो रूट लिया है ना वो बहुत इजी होगा, समझ रहे हो? क्योंकि वो वन ऑफ द मतलब अभी जंगकुक वो लोग से मतलब ब्रूनो मास वो लोग से कम्पीट कर रहा है, समझ रहे हो? उतना टॉप पे है। पर वी लोग जो रूट लिया, वी आरएम ये लोग दोनों जो रूट लिया है ना, आरएम एकदम हल्का मतलब फास्ट रैप भी नहीं बोलेंगे, एकदम थॉटफुल रैप की तरफ गया है आरएम, और वी फुल जैश की तरफ, और मेरा रिस्पेक्ट इसके लिए एकदम बढ़ गया एकदम। ओ माय गॉड, 거짓 말야 떠나지 마 저리 가지 마 멀리 솔직하게 다 말하네 너는 매일 어떤 사람 어떤 곳에 몇 번씩이나 뭐 하는지 널 생각해 Lost without you baby हम तो यही ऑन करने, हम वाइब में इतना घुस गए थे हम कैप्शन ऑन करते ही भूल गए।안녕하세요, 방탄소년단의 비유입니다. 이번 앨범으로 컴백을 했습니다. 그리고 제 밴드들 소개할게요. अगर तुम लोग यहाँ चैनल पे अगर नहीं हो, रिसेंटली सब्सक्राइबर मेरा बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इस 3 दिन में हम अपलोड नहीं किए हैं, तो एकदम 50 50+ सब्सक्राइबर हम ऑलमोस्ट 1 मंथ का सब्सक्राइबर हम लॉस किए 3 दिन ना अपलोड करने के वजह से, बट कोई नहीं, रिकवर कर लेंगे हम लोग, हमको पता है तुम लोग तो देखते हैं पूरा वीडियो देखते हैं वही, तो इतना ही बोलेंगे कि जो वी का जो भी वाइब चल रहा है भाई, एकदम डिफरेंट हिट तो कर ही रहा है। मेरा चैनल पे जो वी का इम्पैक्ट है, जो पूरा एल्बम हम रिएक्ट किए थे ठीक है ना, वो तो अच्छा किया ही किया, पर जो इसका जो लव मी अगेन जो सॉन्ग था ठीक ना, वो फर्स्ट मेरा वीडियो था जो 100K 100K बोल रहे, बाप रे बाप, 1K रीच किया था, 1K व्यूज रीच किया था, 1K ठीक ना। हम क्यों 100K बोल दी एकदम, भाई एक कमेंट आया था भाई, हम जब 500 सब्सक्राइबर रीच करने का ये किए ना, थैंक यू बोले थे, तो एक जन वो ये कॉन्ग्रेट्स फॉर रीचिंग 500K, तो शायद वही मेरे दिमाग में बैठ गया है। कोई नहीं, थैंक यू गाइस, उसको 1K तक पहुंचाने के लिए, अगर तुम लोग वो वीडियो नहीं देखे हो जाके मेरा चैनल पे जाके वीडियो पे जाके पॉपुलर पे क्लिक करोगे तो सेकंड में ही आएगा, क्योंकि उसके बाद भी एक वीडियो डाले थे कि वो थोड़ा उसको ओवरटेक कर गया था, वहां पर जाके वो वीडियो देख सकते हो। और हम पूरा एल्बम पे रेट किए थे वी का, तो बहुत मतलब गूजबम्स वाला एल्बम था, बहुत प्यारा एल्बम था, तो लोग जाके मेरा रिएक्शन देख सकते हो वो एल्बम का। थैंक यू। और चेकअप ओ इंट्रोडक्शन ब्लैक ब्लैक
그리고 드럼 데스틴 그리고 마이 코러스 트루디 야누 제이 키보드 브랫 레 화이트 많이 기다리셨죠? 정말 기다려주셔서 감사합니다. 이번 앨범 타이틀인 슬로우 댄싱을 이제 부를 건데 많이 관심 가져주세요. Yes, we will. 이제 레디야. 이게 빨리 부자가 나와. 오 भाई मेरा अंदर से एकदम खतरनाक वाला गूज़बम्स एकदम It's about time we get it straight. Give me a minute if it ain't too late. 대충 무리였나 봐. 한 एक चीज बोले थे जब ये एल्बम पे रेड कहते वी का सॉन्ग पे ये एल्बम कुछ 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 इंसानों को एकदम एकदम माइंड में बस किया होगा वन ऑफ द देयर फेवरेट मतलब टॉप थ्री या टॉप वन या टॉप एकदम टॉप पे होगा एकदम माइंड में जब ये सॉन्ग सब सुनेगा ये उनमें से एक एल्बम था कि बहुत माइनॉरिटीज के एकदम टॉप वन में रहेगा बहुत जन इस एल्बम को भूल जाएगा ये स्टेटमेंट हम अभी तक अग्री करते हैं क्योंकि जैज सबको पसंद नहीं है पॉप सबके दिमाग में बार बार बसता है पर जैज बहुत कम लोग के दिमाग में बार बार बसता है तो ये डेफिनेटली इसका ये सॉन्ग का कंडीशन यही है कि बहुत जन रोज सुनता होगा उसको और बहुत जन बहुत रेयरली एक दो बार मतलब क्योंकि वी का सॉन्ग है इसलिए बजा लिया क्योंकि एज अ बीटीएस फैन तुम कोई एक जॉनरा का फैन नहीं हो तुम वो बीटीएस का फैन हो जो वो जॉनरा ले आया उसके फैन बन गए तो डेफिनेटली वो यूज टू होने में टाइम लगता है कि तुम ये अचानक से पूरा जैज सुनना चालू कर दो क्योंकि हमको जैज म्यूजिक बहुत पहले से पसंद था मतलब काइंड ऑफ कभी कभी हम वो मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम जैज का पूरा नॉलेज है मेरे को पर ऐसा नहीं कि हम जैज म्यूजिक कभी अपने मन से जाकर जैज म्यूजिक सर्च करके बजाते नहीं थे क्योंकि हमको जैज का जो एक होता है ना जो हमको मतलब वो जो रिलैक्सेशन जो जैज म्यूजिक का फील होता है ना जो अलग कुछ मतलब ज्यादा हैवी नहीं है आराम से छक धीरे धीरे पूरा म्यूजिक तुमको फ्लोट करा देता है तो वो हमको वो फीलिंग जैज का जो बहुत पसंद है और अब वी कर रहा है तो डेफिनेटली जॉनरा ही पसंद आने लगा है मेरे को तो पहले हम नहीं बोलेंगे हमको पसंद था फेवरेट नहीं था मेरा फेवरेट में से एक बनने जा रहा जैज जो जॉनरा है क्योंकि पॉप भी बहुत ज्यादा केओटिक हो गया है कि भाई ऐसा के पॉप में क्योंकि तुम के पॉप का कोई भी सॉन्ग सुनना चाहो एकदम कितना ज्यादा चेंजेस हो रहा है तो उसको ऐसे इंजॉय करने के लिए इंजॉय कर सकते हो पर रिलैक्स करने के लिए वो सॉन्ग्स बहुत कम है क्योंकि स्लो सॉन्ग्स में भी बीच में अचानक से खतरनाक वाला रैप आ जा रहा है तो वो तुमको इम्प्रेस करने के लिए 90% केपॉप सॉन्ग बन रहा है और ये वाला जो फील है वो ओरिजिनल होम वाला फीलिंग देता है ये सब सॉन्ग अग्री और नॉट 애먼 깊음만 해친 채 버티기가 이만큼 힘든데 Stay with me till the end of the day Maybe we could be slow dancing until the No.
감사합니다. 이번 앨범 타이틀은 슬로우 댄싱을 들려드렸는데요. 가장 어렉성박이 저를 잘 나타낸 앨범 레이오브의 타이틀이자 그리고 주인공인 슬로우 댄싱은 말 그대로 슬로우하게 춤도 추고 노래도 부릅니다. 이번 앨범은 잠시 스쳐가듯 그리고 쉬어가듯 지나가듯 머무는 휴식 같은 곡들로 채웠습니다. 저를 닮은 앨범이고요. 많은 기대와 관심 부탁드립니다. 그리고 1년 동안 이제 아미 분들이 저를 정말 많이 기다려 주셨는데 늦은 만큼 이쁜 마음으로 꽉꽉 채워서 많이 보답 드리겠습니다. 마지막 곡 For Us 들려드릴게요. वन ऑफ द बेस्ट एल्बम अगर तुम लोग नहीं सुने हम डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे कि बहुत जन क्या करते हैं ना मतलब कभी कभी ना कोई कोई न्यूज़ बहुत सारा किसी के पास जैसे एग्जांपल ले लो कोई सॉन्ग निकला जैसे वीक एल्बम निकला तो तुम स्लो डांसिंग ये दोनों सुनोगे पर बहुत सारा सॉन्ग इग्नोर्ड हो जाता है क्योंकि एल्बम का पीछे है वो बहुत सारा आर्मी नहीं करते पर बहुत सारा के सामने से निकल जाता है पता भी नहीं चलता वो सॉन्ग एग्जिस्ट भी करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्मी मेरे को हम बहुत सारा सॉन्ग पोस्ट करते हैं मेरे को बोलते हैं कि भाई तुम्हारे वीडियो से पहली बार सुने जो देख के खुशी तो होता ही है ये अचानक से ये इतना बड़ा कैसे हो गया हम कुछ क्लिक कर दिए क्या तो कोई नहीं तो मतलब समझ लो ना कि एक होता है ना कि कैसे बोले जो तुमको चाहिए कैटेगरी का मतलब जो तुमको सुनना है बहुत सारा सॉन्ग होता है कि तुम्हारा पसंद बहुत आने वाला हो बट तुम्हारा ग्रास से निकल जाता है क्योंकि तुम सुन नहीं पाते हो तुम डेफिनेटली बोलेंगे तुम लोग अगर वीक एल्बम नहीं सुने हो डेफिनेटली जाके सुनो छः का छो एल्बम निकाला है पर वी का भाई अगर डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड ब्यूटीफुल जो मेरा मुँह से निकलेगा भाई वो वी का एल्बम को डिस्क्राइब करेंगे हम क्योंकि भाई जो फीलिंग है भाई एक एक सॉन्ग में तुमको अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस लेके जाएगा ऐसा अलग अलग भाई मूड सेट कर देगा मूड एकदम सिमिलर ही रहेगा पर जो शिफ्ट करेगा ना भाई मजा आ जाएगा डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एल्बम है अगर तुम लोग एल्बम को ना लाइन अगर तुम ऐसे सब सॉन्ग सुने हो पर एक बार इसको सुन लिया एक बार उसको सुन लिया वैसे भी सुने हो तब पर भी हम एक बार बोलेंगे कि जाके जो एल्बम का जो सॉन्ग्स है ना वो लाइन से जैसे जैसे वी इंटेंड किया सुनने को कि जो जो मतलब रैंकिंग क्यों बोल रहे मतलब जो ऑर्डर है कि पहले ये पहले वो जो एल्बम में जो लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6 वो ऑर्डर पे सुनो डेफिनेटली फील गुड जो फील आएगा ना तुमको डेफिनेटली वो हमको इतना बोलेंगे अभी तक कोई भी एल्बम सुने उससे नहीं आए सब सॉन्ग जितने एल्बम मतलब हम जितना भी एल्बम सुने सब में अच्छा अच्छा सॉन्ग रहता है पर ऐसा कम्पैक्ट एल्बम भाई जो फीलिंग था ना वो एकदम डिफरेंट हिट किया था
peace of mind. I'll keep it all for us. ये इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, क्योंकि ये सैक्सोफोन जैसा ही देखने में, ऑलमोस्ट सैक्सोफोन से आइडेंटिकल है, बट जो मतलब कॉम्पैक्ट है थोड़ा सैक्सोफोन से, क्योंकि सैक्सोफोन थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है ना। ये फ्लूट और सैक्सोफोन का कॉम्बिनेशन लग रहा है।들어주셔서 감사합니다. 지금까지 방탄소년단의 비였습니다. 비였습니다. 레이오버 많이 사랑해 주세요. 감사합니다. Thank you, thank you. 이게 क्या चल रहा है? 好的，members，喂，所有人都辛苦了，所有的production，所以operation都办在，所以，easy不是，那么好，那么easy，所以就execute，所以，我们这里说，thank you for watching，一点，喂，这边啊，乱了，哦，不过，可能，稍微有点声音，因为我们fan，所以，我们有那么expensive mic 没有，就一点non-existent，这个，तो हम इतना ही बोलेंगे कि थोड़ा हॉट साउंड गर्मी के लिए ही कर लो, क्योंकि अभी हम बंद करने पे मेरा तबीयत इतना ख़राब है कि पसीना पसीना हम तुरंत हो जाएंगे। तो अभी के लिए हम चलते हैं गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू। और वीडियो आते रहेगा, तुम लोग हमको कमेंट करते रहो, और ओ भाई सब्सक्राइबर आर गॉन, पर वापस आ जाएंगे आई नो, कि हम कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे। तो पता ही है, तो वो लोग जो लोग गए हैं अनसब्सक्राइब किया, ऐसा थोड़ी ना वीडियो देखना बंद किया, तो बस नहीं किए हो ना, कर लो प्लीज। तुम क्या बोलने वाले थे उसको वो भी नहीं पता, बट जो लोग अनसब्सक्राइब किया था अगर वीडियो में, तो प्लीज वापस क्लिक इट प्लीज डेफिनेटली। अरे अचानक तुम जब पड़े हुए थे ना बेड में, फोन में रिफ्रेश कर रहे थे, हर देख रहे, हर एक घंटा में 2-3 सब्सक्राइबर घटे जा रहा है, हमको तो डर लग गया था भाई 500 के नीचे ना चला जाए, पर हुआ नहीं। बट थैंक यू गाइस, तभी हम चलते हैं, बोर नहीं करते तुम लोग को, बाय बाय टाटा, और आई एम बैक डेफिनेटली, हम अभी से पूरा रिकॉर्ड करते रहेंगे ग्लैडली, और ख़राब मतलब और तबीयत ख़राब ना हो जाए। बाय बाय टाटा।